हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। दोस्तों आज मुझे आप देख रहे हैं, मैं दूसरे लोकेशन से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। हमेशा मैं अपने घर से ही स्टार्ट करता हूँ, इसका सबसे खास रीजन मैं आप सबको बता रहा हूँ अभी। दोस्तों आज का दिन है 15 अगस्त का दिन, हमारा पूरा भारतवर्ष 75वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एवं खूबसूरत तरीके से ये मनाया जा रहा है, जो कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसको इनवाइट किए हैं लोगों को और सबको बोले हैं कि हर घर तिरंगा फहराइए। तो दोस्तों ये हमारे ग्राम प्रधान अजीत कुमार शर्मा जी का घर है। मैं यहीं से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पूरे गांव में, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी घर घर तिरंगे का आयोजन किया गया है, वो सभी ग्राम प्रधान अपने पूरे गाँव में उसको अच्छे तरीके से मना रहे हैं। तो यहीं से ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पीछे आप देख रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान, 13 से 15 अगस्त अपने घर पर तिरंगा फहराएं, ये पोस्टर में लिखा हुआ है। और पूरे मैं आप सबको बता दूं कि मैं 13 तारीख को यहाँ पर आके वीडियो नहीं बना पाया, मगर 13 तारीख से ही पूरा अभियान यहाँ पर चल रहा है। पूरे गांव में तिरंगा वितरण हुआ है, सबके घर घर में तिरंगा आप लगा हुआ देख पाएंगे, बगल वाले घर में भी देख सकते हैं एंड इस घर में भी बहुत सारे तिरंगे लगे हुए हैं, तो ये मेरे घर में भी लगा हुआ है, आपके घर के अपने दिखाऊंगा। तो हम लोग अभी यहाँ से जाने वाले हैं, सुबह के टाइम हो गए हैं 8:30 के, तो हम लोग निकलने वाले हैं ध्वजारोहण के लिए। तो पूरी टीम तैयार हो चुकी है, आप देख रहे हैं पोस्टर लेके भैया खड़े हैं एंड पूरा तिरंगा जो यहाँ देख रहे हैं पूरी तैयारी के साथ रखा हुआ है। और बच्चे आने वाले हैं, पूरा यहाँ से क्राउड लेके हम लोग जाएंगे पंचायत भवन और वहीं पर ध्वजारोहण होगा, तो जरूर देखें आप लोग, बहुत ही मजा आने वाला है इस ब्लॉग में। एंड रैली निकलेगी वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जय हिंद। नदियों में कल कल होता है, नदियों में कल कल होता है, स्वतंत्रता अधिकार हमारा, स्वतंत्रता अधिकार हमारा, लोक के मान का गूंजे नारा, लोक के मान का गूंजे नारा, हम इसे किसान बढ़ाएंगे, हम इसे किसान बढ़ाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। सो गाइस, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं हमारे गांव के जो स्कूल्स हैं उनके बच्चे यहां पर रैली लेके आए हुए हैं, क्योंकि अब पता है आपको प्रधान जी का घर है, तो यहां पर हर साल सभी बच्चे आते हैं। और जैसे कि अपना 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी का दिन हुआ, हमेशा यहां पर बच्चे आते हैं झंडा को लेकर, पूरे गाँव में भ्रमण करते हैं रैली के तरीके से और पूरे गाँव को जागरूक करते हैं, अपने देश प्रेम को जताते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे पूरी कतार में पूरा ड्रेस पहन के एंड भारत माता का तिरंगा अपने हाथों में लेके यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड यहाँ से हम लोग चलेंगे भी ध्वजारोहण करने के लिए, जुड़े रहे पूरे ब्लॉग के साथ आप लोग। गाइस अभी आप लोग देख रहे हैं बच्चों को पारितोषिक के रूप में ये गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, जब भी बच्चे आते हैं यहाँ पे बहुत ही मस्त चॉकलेट बच्चों को दिया जा रहा है। वाओ। एंड गाइस अभी आप लोग देख रहे हैं कि रैली यहाँ से निकल चुकी है, सब लोग हम लोग साथ में निकलने वाले हैं पंचायत भवन के लिए, तो सब बच्चे बस चल दिए हैं और यहाँ से चलते हैं हम लोग पंचायत भवन, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आराम से लाइन से चल बगा। तो हम लोग आ चुके हैं अपने पंचायत भवन के पास, यहाँ पर देख रहे हैं बहुत एंड सब वंदे मातरम पर नारा लगा रहे हैं और ये पंचायत भवन इतना खूबसूरत बनाया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा पंचायत भवन का नजारा है। यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, हमारे गांव के सब लोग, ग्राम प्रधान एंड सभी गाँव की जनता यहाँ पर इकट्ठा है, बच्चे भी हैं, झंडा तिरंगा होने वाला है पंचायत भवन के पास, तो बस दिखाते हैं आप लोग को पूरा यहाँ का नजारा जैसा कि आप। सो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर इतने एजेड होने के बाद भी देश प्रेम के प्रति न्यूछावर है भाई, यहाँ पर जय हिंद लगाते हुए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। बब्बा आपकी उम्र कितनी है बता दीजिए थोड़ा सा। उम्र आपकी कितनी है? उम्र कितनी है? 102 साल के यहाँ पर देख रहे हैं आए हैं तिरंगा फहराने के लिए, 102 वर्ष के यहाँ पर बुजुर्ग हमारे गाँव के, तो आप देख सकते हैं दोस्तों
कितना बड़ा जज्बा है इनका, तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो को जरूर लाइक करें इनके लिए। 102 साल की उम्र में। तो गाइस यहां पर एक और स्कूल की रैली आ रही, जो कि हमारे गांव का जो प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, उसकी रैली यहां पर आ रही है। तो वो आ जाएगी तब हम लोग करेंगे झंडारोहण, तभी होगा, क्योंकि और बच्चे ऑलरेडी यहां पर नर्सरी के जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल के, उसके बच्चे एंड गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे यहां पर पहुंच चुके हैं, तो वो सब मिलके यहां पर झंडा फहराएंगे। बहुत मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में, जुड़े रहे पूरे वीडियो के साथ। पूरा बाजा बजाने के बच्चे आज तो गाइज अभी आपने देखा कि हम लोग ने सुबह से पूरी तैयारी की एंड ध्वजारोहण हमारे गांव का हो चुका है। और यहां पर हमारे गांव के प्रधान जी और सभी जो यहां के फेमस लोग हैं और हमारे गांव के जो सम्मानित पर्सन हैं यहां पर इकट्ठा हुए हैं, और हम लोगों ने खूब धूमधाम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। पूरे भारत सरकार को हमें इसकी बधाई देते हैं, और हमारे छोटे से गांव से लेके बड़े बड़े शहरों, पूरे इंटरनेशनल तरीके से इस समारोह को मनाया गया बहुत ही खूबसूरती के साथ। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर पूरा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग सुबह से मना रहे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम लोग को ये अपने योगी जी की तरफ से ये लिफाफा भी मिला है, इसके अंदर पूरा नोट्स मैं आप सबको दिखाऊंगा क्या है इसमें, इस वीडियो में नोट्स डाल दूंगा, देख लीजिएगा।
तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि जो अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, इसके पहले कभी यहाँ की जनता ने इस तरीके से नहीं मनाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने देश का कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, किसी भी कास्ट का हो, सब ने बहुत ही खुशहाली के साथ इस त्यौहार को मनाया है। तो बात करते हैं, यहाँ पर हमारे गाँव के बहुत लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है ये इंडिपेंडेंस डे विश करके। भैया बताइए कि आपकी उम्र कितनी है इस टाइम पे? 30 साल। आप 30 ईयर के हैं, तो ये बताइए इसके पहले आपके पूरे जीवन काल में कभी इस तरीके से मनाया गया? कभी नहीं, बहुत अच्छा मनाया, इतना अच्छा मनाया गया है और सभी जात धर्म के लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो यहाँ के जैसे बताइए समुदाय में जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं और जैसे मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं यहाँ पे, तो सब लोगों ने एकदम अच्छे से सम्मिलित, पूरा गांव सम्मिलित था, सबके घरों में झंडा तिरंगा फहराया जा रहा है। वाह, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर मोदी। ये देखिए, हाँ बताइए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे सम्मानित भी किया गया है। बहुत अच्छी बात है। तो भैया एक बात और बताइए आप कि जिस तरीके से अमृत महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, आप मोदी जी को और अपने यशस्वी जो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे 15 अगस्त? बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी। और हम लोगों की सबकी इच्छा है कि अभी कम से कम 10 साल और रहे दोनों। अरे वाह। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, ये त्यौहार किसी एक पार्टी का नहीं है, सभी सारी पार्टियों का है, सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय के लिए बनाया गया है, जो कि हमारा झंडा तिरंगा, हमारी शान होती है, इसके लिए हम ये त्यौहार विश किए हैं। बहुत बड़ा त्यौहार इसको मनाया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं 15 अगस्त के अवसर में, इसको बनाने वाले, इसको और भी अच्छा दिखाने के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।